महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्विटर प्रोफाइल से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री वाली बात हटा दी है, जिसके बाद से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार से इस्तीफा देने की बातें अब तेज हो गई है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के आदित्य ठाकरे के साथ कनेक्शन को लेकर काफी खबरें सामने आई। हालांकि एक इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने आदित्य ठाकरे के साथ भी तरह से संबंध होने की बात को साफ तरीके से इनकार कर दिया। आदित्य ठाकरे अभी महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। आदित्य ठाकरे का अभी जो ट्विटर बायो है उसमें युवा सेना के वो अध्यक्ष है, मुंबई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष है। बीते दिनों अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के भूमि पूजन के बाद शिवसेना ने मुंबई की जगह जगह होर्डिंग लगाए थे। इन होर्डिंग्स में से आदित्य ठाकरे की तस्वीरें गायब थी, जिसे लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक तहलका मच गया। उद्धव ठाकरे की अयोध्या यात्रा के दौरान आदित्य ठाकरे भी उनके साथ थे। ऐसे में जब राम मंदिर भूमि पूजन के बाद पार्टी के होर्डिंग्स लगे तो उनमें आदित्य ठाकरे की तस्वीर न होने को लेकर बवाल मच गया। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में आदित्य ठाकरे का नाम काफी वायरल हो रहा है, जिसके चलते आदित्य ठाकरे की इमेज पर काफी ज्यादा असर पड़ा है। ऐसे में बीजेपी नेता नारायण राणे ने राजपूत मामले की जांच में किसी को बचाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। हालांकि अपने ऊपर उठ रहे सवालों पर आदित्य ठाकरे ने इंटरव्यू में सफाई भी दी थी और कहा था कि महाराष्ट्र सरकार की सफलता और उनकी लोकप्रियता से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से उनका नाम राजपूत सुशांत सिंह राजपूत के केस से जोड़ा जा रहा है और इस तरीके की गंदी राजनीति कर ठाकरे परिवार को बेवजह इस मामले में घसीटा जा रहा है। और ऐसे में अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि हो सकता है कि आदित्य ठाकरे अब इस्तीफा दे दें या फिर इस्तीफा दे दें अपनी इस महाराष्ट्र की सरकार को और अपने इस पद से। लेकिन अभी तक इस पर पुष्टि नहीं हुई है। जहां पर तस्वीरें हटाने की बात की जा रही है तो आदित्य ठाकरे की तस्वीरें जो होर्डिंग्स में से हटी थी उसकी वजह सुशांत सिंह राजपूत का मामला ही था, ताकि यहां पर महाराष्ट्र सरकार को जीतने में कोई मुश्किल ना आए, इसीलिए उनकी तस्वीरें कुछ हटाई गई थी। लेकिन जहां पर इस्तीफे की अटकलें तेज हुई तो इस्तीफे की अटकलों पर आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ना तो कोई इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही ऐसी कोई खबर सामने आई है। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।